दोस्तों, आप जब राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है EWS और एक आता है LIG। तो इन दोनों का क्या मतलब है? EWS का मतलब लिखा है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और LIG लिखा है लोअर इनकम ग्रुप। लेकिन इसको क्या समझना चाहिए, समझने के लिए आप इसकी बुकलेट पे चले जाइए। बुकलेट पे अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, तो इसको इंग्लिश में आप बोलोगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये जो है वो इसकी तालिका 3 में देखते हैं कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक की है उनको माना गया है, और उनको अभी जो उदयपुर में घर निकले हैं उसके लिए 7,940 रुपए भरने पड़ेंगे। और अल्प आय वर्ग जो है जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं लोअर इनकम ग्रुप LIG, उसके लिए दोस्तों आपकी जो इनकम है वो 3,01,000 रुपए से 6 लाख तक की इनकम में अगर आप आते हैं तो अल्प आय वर्ग LIG में माने जाते हैं, और इसके लिए आपको 16,576 रुपए कुल भरने पड़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा EWS एंड LIG क्या है। धन्यवाद।